हाँ तो बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि जो कीचड़ का रंग है वो कम सुंदर नहीं है, क्योंकि पुस्तकों के गत्तों पर मतलब पृष्ठ उसके जो है उसके ऊपर घरों की दीवारों पर और शरीर के ऊपर पहनने वाले कीमती कपड़ों पर भी हम कीचड़ जैसा ही रंग पसंद करते हैं। अब वहां से आगे कला विज्ञ लोगों को भट्टी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए यही रंग बहुत पसंद है। कला विज्ञ का मतलब होता है कला का जानकार, यानी कला भी के लोग जो है, यानी कला के जानकार लोग जो है, वो भट्टी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए भी यही रंग बहुत पसंद करते हैं। फोटो लेते समय भी यदि उसमें कीचड़ का एकाध ठीकरे का रंग आ जाए तो उसे वाम टोन कहकर विज्ञ लोग खुश खुश हो जाते हैं। यानी जब कला विज्ञ लोग, यानी कला के जानकार जो सभी कलाओं को जानते हैं, तो फोटो लेते समय यदि उसमें कीचड़ का एक बार ठीकरे का रंग, ठीकरा तो आप समझते हो, ठीकरे का रंग अगर आ जाए तो उसे वाम टोन कहकर विज्ञ लोग, विज्ञ मतलब जानकार, यहाँ पर जो मैंने लिखा कला विज्ञ यानी जो विज्ञ लोग हैं, जानकार लोग हैं, वो खुश खुश हो जाते हैं। पर लोग कीचड़ का नाम लेते ही सब बिगड़ जाता है। जैसे ही कीचड़ का नाम लेते हैं तो सारा काम बिगड़ जाता है, क्योंकि कीचड़ जैसे रंग को लोग पसंद करते हैं लेकिन कीचड़ को नहीं। नदी के किनारे जब कीचड़ सूखकर उसके टुकड़े हो जाते हैं तब वे कितने सुंदर दिखते हैं। यानी नदी का जो किनारा होता है, जिसके किनारे पर कीचड़ होता है, वो सूखकर जब टुकड़ों में बढ़ जाता है तब वह कितना सुंदर लगता है। ज्यादा गर्मी से जब उन्हीं टुकड़ों में दरारें पड़ती हैं और वे टेढ़े हो जाते हैं तब सुखाए हुए खोपरे जैसे दिख पड़ते हैं। यानी जब आप नदी के किनारे कहीं में भी जहाँ दलदल हो वहाँ जाते हैं तो वहाँ जब कीचड़ है वो धूप के कारण सूखने लगता है तो उसमें दरारें पड़ने लगती है, और उन दरारों पर आप जब चलोगे तो आपको उसके टूटने की आवाज आएगी। तो जब गर्मी के कारण उसमें दरारें पड़ती है, उसके टुकड़े हो जाते हैं, तो वो थोड़े बहुत टेढ़े हो जाते हैं नारियल के खोपरे की तरह। यहाँ जैसे कहा गया कि सुखाए हुए खोपरे जैसे दिखते हैं, यानी नारियल जो है, नारियल को सुखाते हैं तो उसका जो खोपरा है नारियल का, वैसे ही ये कीचड़ बन जाता। नदी किनारे मीलों तक जब समतल और चिकना कीचड़ एक साथ फैला हुआ होता है तब वह दृश्य कुछ कम खूबसूरत नहीं होता। यानी जब आप नदी के किनारे देखते हो कि जहां तक नजर पहुंचे वहां तक सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ है, और वो कीचड़ जब सूख जाता है तब वह दृश्य जो है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। इस कीचड़ का पृष्ठभाग कुछ सूख जाने पर उस पर बगुले और अन्य छोटे बड़े पक्षी चलते हैं, तब तीन नाखून आगे और अंगूठा पीछे, ऐसे अनेक पद चिन्ह मध्य एशिया के रास्ते की तरह दूर दूर तक अंकित देख इसी रास्ते अपना कारवां ले जाने की इच्छा हमें होती है। तो इसमें ये कहा गया है कि ये जो कीचड़ का पृष्ठभाग है, मतलब ऊपर का हिस्सा जो है, उसके सूख जाने पर, यानी जब वो थोड़ा बहुत सूख जाता है, तो जो पक्षी हैं बगुले और अन्य छोटे बड़े और पक्षी जब उनके ऊपर चलते हैं, तो यहाँ कहा गया है कि तीन नाखून आगे और अंगूठा पीछे, ऐसे बहुत सारे निशान जो है उस कीचड़ के ऊपर नदी के किनारे बन जाते हैं। ये जो पद चिन्ह है, प
पद चिन्ह मतलब पैरों के निशान। तो ये जो पद चिन्ह है वो मध्य एशिया के रास्ते की तरह दूर दूर तक अंकित दे इसी रास्ते अपना कारवां ले जाने की इच्छा हमें होती है। अंकित मतलब चिन्हित, अंकित होना मतलब चिन्हित होना, और इसी रास्ते अपना कारवां, कारवां जो है वो उसे कहते हैं विदेश जाने वाला जो झुंड होता है, चाहे वो पक्षियों का हो प्राणियों का हो, तो उसे कारवां कहते हैं जो एक ग्रुप में जाता है। तो ऐसे इसी रास्ते अपने अपना कारवां ले जाने की इच्छा हमें होती है। तो हमें ऐसा लगता है कि नदी के किनारे जब कीचड़ सूख जाता है उसके ऊपर जो पदचिन्ह होते हैं उसको देखते हुए उस पर चलते हुए हमें ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय तक यानी बहुत दूर दूर तक हम उसी रास्ते पे आगे बढ़े। फिर जब कीचड़ ज्यादा सूख कर जमीन ठोस हो जाए यानी कड़क हो जाए, ठोस हो जाए यानी कड़क हो जाए, तो फिर जब कीचड़ ज्यादा सूख कर जमीन ठोस हो जाए तब गाय बैल पाड़े भैंस भेड़ बकरी इत्यादि के पदचिन्ह उस पर, पदचिन्ह मतलब पैरों के निशान, उस पर अंकित होते हैं यानी छप जाते हैं। उसकी शोभा जो है वो कुछ और ही होती है यानी बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है, क्योंकि सारे प्राणी जब उस कीचड़ के ऊपर से चलते हैं तो उनके पैरों के निशान जो है वो उसके ऊपर हो जाते हैं, अंकित हो जाते हैं। तब ये जो दृश्य है वो बड़ा सुशोभित लगता है, मतलब बड़ा सुंदर लगता है। और फिर जब दो मध्यस्थ पाड़े अपने सिंगों से कीचड़ को रौंद कर आपस में लड़ते हैं तब नदी किनारे अंकित पद चिन्ह और सिंगों के चिन्हों से मानो महिष कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस कर्दम लेख में लिखा हो ऐसा भास होता है। अब ये पूरा जो पैराग्राफ है मैं आपको समझाता हूँ कि जब गाय बैल पाड़े भैंस भेड़ बकरे ये सब चलते हैं उसके ऊपर कीचड़ के ऊपर तब उसके जो पद चिन्ह है पैरों के निशान बड़े सुंदर दिखते हैं, और जब दो मध्यस्थ पाड़े सिंगों द्वारा जब कीचड़ को उछाल उछाल कर रौंद कर आपस में लड़ते हैं तब नदी किनारे अंकित जो उसके पद चिन्ह है और सिंगों के जो निशान है उससे ये पता चलता है कि मानो महिषकुल, महिषकुल का मतलब होता है भैंसों का परिवार। तो ये जो महिषकुल है भैंसों का परिवार जो है उसकी बात की गई है। तो यहाँ जब वो पाड़े जो लड़ते हैं तो मानो महिषकुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास यानी कि जो भैंसों का परिवार है उसका पूरा इतिहास यहाँ छपा हो, किस पर, कर्दम लेख में। कर्दम मतलब कीचड़, कर्दम का मतलब होता है कीचड़। कर्दम का मतलब होता है कीचड़। तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये कीचड़ के लेख में पूरा महिषकुल का मतलब भैंसों के जो परिवार का इतिहास है वो लिखा गया है, इसका भास होता है। भास होना मतलब प्रतीत होना। अब आगे का जो पाठ है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। धन्यवाद।